नमस्कार प्राइम ओडिसा को स्वागत कुछ मिलिमा प्रथमे नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर अनलॉक मुहा ओडिसा एक्टिव केस अनुसारे एबे बी रेड जोन रे 5 जिला काली आसी पारे सरकार को नुवा गाइडलाइन स्वास्थ्य निर्देशक कहिले अधिक पॉजिटिव रहुतबा जिला रे बलबत्तर रही पारे कटकणा तृतीय लहर को नै आशंका भितरे सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ बलांगीर शांतिपड़े प्रेम को नहीं 6 घंटार हाई वोल्टेज ड्रामा बंधुक मनरे पर तीनजण को बंधक रखला दुर्वृत्त पुलिस और दमकल ऑपरेशन परे मुक्त हेले पणबंदी दुई राउंड गुड़ी चलना परे काबू है बंदूकधारी आरंभ है नकली औषधर तनाघना विरोधी राजनैतिक ट्विस्ट कटक बारवाटी विधायक कहे राज्य सरकार पृष्ठपोषकत चली विष बेपार जवाब रखिला बीजेडी डीजीपी कहले गठन होई छि क्राइम ब्रांच एसटीएफ रो स्वतंत्र टीम प्रश्न नकली मेडिसिन धरा पड़ा पर कहीं गिरफ होना मुख्य अभियुक्त कोविड हॉस्पिटल रे रोगी को माड़ मारिबा नै आसला सांघातिक अभियोग मयूरभंज कोविड मेडिकल रे चलीथिला वयस्क महिला चिकित्सा पूर्व आसला अव्यवस्थार चित्र रक्षणात्मक व्यवस्था को नहीं चली जाइथिला जिला प्रशासन राज्य में नियम उल्लंघन कर गोहत्या अभियोग बेआईन भाव चालाण होख्यारे गोरु खुलमखुला बेपार कर गोमाफिया धामनगर विधायकों प्रश्न आईन ता बाटर जाऊनी कहीं राज्य सरकार को घेरिला कांग्रेस नयगढ़ आउ जड़े परीर कहानी चारिदिन पर भी नाबालिका बेबीर टेर पाउनी पुलिस अपहरण पचर संगठित पिला चोरी रैकेट अच्छी कि सक्रिय अच्छी कि अंग तस्करी शासन में 21 वर्ष पर भी गांव को नहीं रास्ता मां को सम्मान मिल विपद संकुल अवस्था प्रसूति को बोही ने गांव लोके मयूरभंज भद्रक देखा अर्गस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट एवं पाखे आसुची विश्व नियंता विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा निर्धारित समय 9 दिन पूर्व तीन रथर उठिला चारिनाहका चली गुज जलचंत्र स्थापन चलचंचल रथकला सेपटे आज पवित्र शीतल षष्ठी संबलपुर देवदेव महादेव विवाह उत्सव अनलॉक मुहा ओडिशा एक्टिव केस अनुसार एबे रेड जोन रही 5 जिला तेज 17 तारीख कौन हो संक्रमण हार कम थिबा जिलारे पर्यायक्रमे खुलिबो लॉकडाउन एनी आसंता काली आसी परे सरकार को नुआ गाइडलाइन राज्य में दैनिक संक्रमण 4000 तलकू खसिबा सहित एक्टिव केस रे रेड जोन जिला संख्या भी ह्रास पाउछि तेणु सरकार निष्पत्ति उपरे समस्त नजर रही है तीन राजनैतिक दल प्रतिक्रिया रखिछन्ति सेपटे डेल्टा प्लस भेरिएंट को नहीं सतर्क कराइछन्ति विशेषज्ञ दिनक पर सर लॉकडाउन 3.0 17 तारीख रु अनलॉक हेब कि ओडिशा ना किछि स्थान रे रहिबो कटकणा आसंता काली आसी पारे सरकार को नुआ गाइडलाइन पर्यायक्रमे करा जाई पारे अनलॉक स्वास्थ्य निर्देशक कहिछंती अनलॉक ने सरकार ठीक समय रे निष्पत्ति नेबे गत 15 दिन रो समस्त डाटा कुनी विचार विमर्श हेउछि राज्य रे कोरोना कमिबा स रेड जोन जिला संख्या भी कमुछि एक्टिव केस रे खोर्धा कटक जाजपुर बालेश्वर और मयूरभंज जिला रेड जोन रही किंतु टेस्ट पॉजिटिव रेट बा टीपीआर अनुसार रेड जोन रही 10 जिला जाजपुर जिले में सर्वाधिक टीपीआर रेट 22.3% रही खोर्धार टीपीआर रेट रही 11.0% तेणु अधिक अधिक पॉजिटिव रेट रहुथिबा जिले में कटकणा बलबत्तर रही पारे ठीक समय रे गोटे डिक्लेरेशन हम गाइडलाइन तारि उपर अनलॉक के देखा जीव सब डाटा आपण मानक पाखरे अछि सरकार के पाखरे अछि हला सरकार ता उपर नेकरी जेमत गला थोर भी हेतला कोन ता उपर करबे आज काल भितरे एसआरसी के तरफ गाइडलाइन पळे अछि हम पाखरे टोटल डाटा एबे 7 दिन 15 दिन रो टोटल डाटा अछि ता उपर बसे समस्त एनालिसिस करछन
राजनैतिक महले प्रतिक्रिया प्रकाश पाई कोरोना संक्रमण हार कम जिले अनलॉक करने को दावी कर राज्य बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन खोर्धा भुवनेश्वर कटक और बालेश्वर समेत उपकूल ओडिशा रे लॉकडाउन वृद्धि आवश्यकता थिबा कहिसंती कांग्रेस विधायक सुर राउतराय सेपरी बीजेडी कहिछि सरकार विभिन्न दिग को विचार करी निष्पत्ति नेबे संक्रमण कारण जो भाव में लोक अत्यंत दुरावस्थार शिकार होती सरकार एक यथार्थ निष्पत्ति आम से चाहूँ जो जो जिलागुड़िक संक्रमण हार कम आरंभ हो संख्याधिक भाव में कमी आरंभ हो जिलागुड़ी अनलॉक हो स्वाभाविक हो जीवन यात्रा कोविड 19 कोरोना जोपरी भाव विशेषतः खोर्धा जिला भुवनेश्वर कटक बालेश्वर ये पोस्टर बेल्ट जो भाया अच्छी दिन मु भावुली कल सटडाउन लॉकडाउन उठे दवा दरकार किंतु जो भाया हॉस्पिटल लोक मरुँ आउ किसी दिन बढ़े दवा दरकार कटक तो लॉकडाउन होचे लॉकडाउन पर विभिन्न दिग्क विचार करेंगे एवं बैलेंस हम निश्चय जीवन और जीविका उभय बैलेंस हम तापर निष्पत्ति सरकार कर सेपटे कोरोनार तृतीय लहर को नहीं सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशंका भितर रही यार भितर देश में संक्रमण और मृत्युहार बढ़ाई डेल्टा भारियंट तार म्यूटेशन बदल K417M म्यूटेशन परिवर्तित होता यह भेरिएंट को डेल्टा प्लस भेरिएंट बोली कहा जीवन रक्षाकारी कहुवा ककटेल आंटीबॉडी यह विरुद्ध काम न करिपारे बोली सतर्क कर स्वास्थ्य विशेषज्ञ बर्तमान डेल्टा प्लस भेरिएंट चांस नहीं किसी दिन आगर भी P2 भेरिएंट भी डिटेक्ट होता अबाउट 10 days बैक खबर आसला जोटा कि ब्राजिलियन भेरिएंट जोटा कि हाइली इनफेक्शियस से तार इम्यून मेकानिजम को बाईपास करिया कैपेसिटी अच्छी तेनालीरुगढ़ फॉरेन ट्रैवलर्स डिटेक्ट होता तेनाली जो वेरिएंट किसी इंडिया जहाँ भी हेल्प किसी केस आसे आमको केयरफुल रहा पड़ो भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रवि नारायण और प्रदीप्त रोशन रथ और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज बलांगीर युवकों आतंकराज बंधुक मुनरे गोटे परिवार तीनजन को बंधक उन्मुक्त युवक को धरवाई प्राय चलला 6 घंटार ऑपरेशन शेषर झरका बाट दे अग्निशम विभाग 3 सदस्य को उद्धार कर घर भितर रही जाता बंधुकधारी यापर पुलिस उद्यम शेषे काबू कर युवक जनक यह सहित अंत हो सका शांतिपड़े लग रही हाइड्रामा बंधुक मुनरे पणवती घर भितर युवकों फिल्म स्टाइल रिएक्शन 6 घंटार अधिक समय धरी खेलाइला आतंकराज ऑपरेशन बेलू पुलिस ऊपर को गुड़माड़ काबू करने को पुलिस है नाकेद सकाल पखापाखि 9 समय बलांगीर शांतिपड़े घर भितर देखा मिलता एभली फिल्म स्टाइल रो कहानी बंधुक मुनरे शिक्षकों पर पणबंदी कर रखि युवक बंधुक देखा गाड़ी करने मारिदे धमक दे बाहर पटु कबाट देते फल पोटिक बंद हो रही जाता उन्मुक्त युवक युवक को काबू करने पर उद्धार पर पुलिस घर को घेराबंदी कर रखि तेज युवक जनक पाखे बंधुक पुलिस घर भरको जवाक साहस कर घर बाहर थी युवक को बुझाऊला पुलिस किंतु पुलिस ही थिरी फेल मारी शेषे दीर्घ 2 घंटार अधिक समय ऑपरेशन परे घर पछपट दे उधार होते पणबंदी 3 सदस्य सीढ़ी और रस्सी मध्यम झरका पटे उधार कले अग्निशम कर्मचारी तो दुकान बसली दुकान थी आम पुला आसिक मारे बुझी गला मो पु सब लक करदे से भाई मैंने भाई मैं कौटे लक फक कर दिगला कौटे रहीगले से हाथ सहीटा कौटी गोटे रही घटना 9-10 ऑपरेशन रो प्रथम भाग में परिवार लोक उद्धार करुक्त युवक को किंतु पुलिस काबू कर पुलिस और युवकों पर लोक बहु बुझासुझा पर पुलिस हाथ में धरा देता अभियुक्त प्राय 6 घंटा पर बंधुकधारी विक्रम पंडा को पुलिस काबू करपरेसन बेले युवक जनक 2-3 राउंड गुड़ मारी पुलिस पक्ष जमा सहित अंत हो
सकाळु शांतिपडा रे लागि रहितबा हाई ड्रामा देखंत सकाळु आपण जाने छंती गोटे प्रकार सिचुएशन बाहर आसीतिला आमे बहुत केअरफुली एक ऑपरेशन मॉनिटर करितिलु हमर एजीपी सदर और आईसी तांके लीडरशिप रे ऑपरेशन हेछि और वर्तमान रो वार्ता या छि कि समस्तक लाइफ सेफ एंड सुरक्षित स्पष्ट दीपालोक घटी घटना पर अंचल चांचल्य खेली जाता बलांगीर राज बालुंकेश्वर रिपोर्ट अर्गस न्यूज। गोटेपटे नकली औषधर चेर पदाक आसता बेले अंपटे राकेट्रे शासक दलर संपृक्ति थिबार संगीन अभियोग आनी कटक बारबाटी विधायक मोहम्मद मुकिम बिना सरकार प्रोत्साहन एपरी कारबार चलो कि प्रश्न कर मुकिम से राज्य सरकार एक घटनार तदंत क्राइमब्रांच को निर्देश देता बेले यह केवल धर्म को आखिटार बोली बीजेपी कही जवाब रखी बीजेडी। नकली औषधर खोलताड़ पाई सरकार तरफ गोटे पटे तनाघना चली अंपटे सरकारी दलर पृष्ठपोषकत विष राकेट चली संगीन अभियोग आनी कटक बारबाटी विधायक मोहम्मद मुकिम मुकिम अभियोग कर सरकार बिना पृष्ठपोषकत नकली औषध व्यवसाय करने दुस्साहस करे ना मुकिम सीधा सीधा अभियोग नकली औषध व्यवसायी शिव प्रसन्न जेना शासक दलर नेता पूर्व रही आसी सुसंपर्क आ घटनार निरपेक्ष तदंत करने दावी कर मुकिम आपटे घटनार तदंत भार क्राइमब्रांच को देवा धर्म को आखिठार बोली बीजेपी कही यार जवाब रखी बीजेडी। सरकार बिना पृष्ठपोषकता एपरी व्यक्ति केवे सत्साहस करेन एपरी कांड करने निश्चित रूपे कौटना कौटि या लिंक सरकार सागर रही थी जो साहस करपरी कांड कारखाना करने जहाँ आम विषय जो बैकग्राउंड आम पाइचु शासक दल सहित संपर्क अच्छी यह केवल धर्म को आखिठार क्राइमब्रांच तदंत विगत 20 वर्ष 21 वर्ष हो जेतिक प्रकार ओडिशा रे जघन्य अपराध सब होई छी ताकू घंटा घोड़ा पे क्राइमब्रांच तदंत निर्देश दियंति माननीय मुख्यमंत्री एवं ता परे आज पर्यंत जेतिक क्राइमब्रांच तदंत घोषणा करथिले जेतिक दुर्नीतिर आज पर्यंत तार गोटे भी रिपोर्ट सार्वजनिक कर पारे नहीं। ए प्रोडक्टिव स्टेट ओडिशा नुह ए नकली औषध धरा पड़ी ओडिशा रे ये भारत बर्षर उत्तर प्रदेश दिल्ली को बेस करछि हिमाचल को बेस करछि एटा इंटरलिंक अछि केन्द्र सरकार मध्य इमीडिएट पदक्षेप नवा दरकार प्रोडक्शन कोट होउछि आ प्रोडक्टिव स्टेट किए एवं इत्ते बड़े चैनल ले लक्ष लक्ष लोक जीवन सहित खेलाखेला चलती ओडिशा सरकार धरती माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक धन्यवाद पात्र कल क्राइम ब्रांच तदंत करछन्ति। अंपटे ओडिशा रे नकली औषध कारबार को नहीं ओडिशावासी चिंतार आज पुलिस डीजीपी खोली मुह डीजीपी कहते क्राइमब्रांच एसटीएफ रे एक स्वतंत्र टीम गठन कर ड्रग्स कंट्रोलर सह विचार विमर्श करवर्त पदक्षेप ग्रहण खूब शीघ्र तदंत आरंभ होटीएफ सह आलोचना कर ड्रग्स कंट्रोलर अनदा शंकर दास और ड्रग्स कंट्रोलर कहते मुख्यमंत्री निर्देश पर आम क्राइमब्रांच सह जोजोग तदंत में जहां आवश्यक सहयोग कर तदंत चली बाबद अधिक किसी कहे ना से कहते दायित्वटा एस टी एफ को दि जाइए एस टी एफ तार तर्जमा कर से ड्रग कंट्रोलर सागे विचार विमर्श करके एस टी एफ तार कार्यभार आज समय बर्तमान गवर्नमेंट डिक्लेयर कर क्राइमब्रांच इनक्वारी हम से बर्तमान मुझे कहटा समीचीन हम नकली औषध जाल ओडिशा कोरोना औषध फावी फिराविर ठार आरंभ कर विटामिन सी और आजिथ्रोमाइसिन पर नौ प्रकार औषधर नकली नकली औषध धरा पड़ा पर भी कहीं गिरफ होना मुख्य अभियुक्त सरकार दे क्राइमब्रांच तदंत तदंत ना अभियुक्त मान दि जाय या उठी बड़ प्रश्न कटक रु इमरान खान भुवनेश्वर संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर जारी रहिबो समयिक ब्रेक रो ब्रेक रे स्वागत। मयूरभंज जिला कोविड हॉस्पिटल विरोधी आसला सांघातिक अभियोग मां को दिया जाउथला माड़ खाली माड़ कहीं चिकित्सा रे अवहेला करा जाउथवा ने अभियोग भी आसी कोविड हॉस्पिटल चिकित्सा सारी फेरिबा परे निजो पुओ आगरे हॉस्पिटल जंत्रणा कथा कहिसेंती मां मयूरभंज रु देखंतु ए रिपोर्ट। कोविड हॉस्पिटल रे रोगी को माड़ माड़ मरा जाउथबार आसला सांघातिक अभियोग अभियोग आनिले रोगी को पुओ नेठे बांधी दिला नेठे बांधी दिला एथे बांधी दिला नेठे बांधी लान नेठे बांधी लान आ कुटे लान फोन दे लान के लिए वे
ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛୁ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଚିତ୍ର ଆସିବା ପରେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଆସିଛି ପୁଣି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ମୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗୁର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିରିଶ। ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେବ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ଏହି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ। ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଟିକେ ଆସିଛୁ କି କତେ, ମୁଁ ମନେ ମୁଁ କି ଜାଣ ଟିକେ ଆସିଛ ଯେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇତେ ଦେଲେ ପଳେଇମୁ ନା ତୁ ଖାଇତେ ଦିଏବିନି ତୁ ମାର ଦିଆ ହେବେ ଏଠେ ବାନ୍ଧିଦେଲାନ୍ ଏଠେ ବାନ୍ଧିଦେଲାନ୍ ଏଠେ ବାନ୍ଧିଦେଲାନ୍ ଏଠେ ବାନ୍ଧିଲାନ୍ ଏଠେ ବାନ୍ଧିଲାନ୍ ଆର୍ କୁଟେଇଲାନ୍ କୁନ୍ଦେଇଲାନ୍ କାଲି କାଲି ବାନ୍ଧିଲାନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମାଆର କରୋନା ହେଇଛି କି ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଲେଖାଇ ନେଇଥିଲି, କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲର କମଜୋର ଦେଶରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ବାଙ୍କି ସଳକୁ ପଠାଇଦେଲୁ। ଗତକାଲି ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗୁର। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ସେ କଥା ପୁଅ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ ମା। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି ବାଥରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ଫଳରେ ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲେ। 15-22 ଦିନ ଦିନ ଗାଧୁଆରେ ବୁଢ଼ା ନେଇ ଖିଆ ନେଇ କିଛି ଝାଡ଼ା ପରିଶ୍ରାଗିନେ ଏଠି ଧର ଏଠି ଧର ଏଠି ଧର ସେଇଠି ଧର ଦିନେ ଯାଉଁ ଘୁରିଏ ନେ ପଡ଼ିଏ ନେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟା ନଗେଇଦେବେ ଧର ନଗେଇଦେବେ ମୁଡ଼ିଏକି ଟୁଚି ଯିବେ। ଦେଖିବାର ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି CCTVଟା ଦେଖିବେ ଆଉ ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ନା। ଟୋଟାଲି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆ ହେଇନି, ଖାଲି ଯାହା ଡିସଚାର୍ଜ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦେଇଛନ୍। ଟୋଟାଲି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭର ବି କିଛି କହିଲାନି, ବୋଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଆଣିକରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ବୋଲିକିରି। କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ଭାବେ କରୁଥିବା ନେଇ ବାହାବା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗରୁ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ CCTV ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପରି ସ୍ୱାତି ପରେ ଏବେ ବେବି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ପୁଣି ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ଧୁନ୍ଦୁଗାଡ଼ିଆରେ। 6 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କେହି ତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଣି ସଂଗଠିତ ପିଲାଚୋରି ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନୟାଗଡ଼ର ଆଉ ଜଣେ ପରି, 4 ଦିନ ପରେ ବି ନାବାଳିକା ବେବିର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଅପହରଣ ପଛରେ ସଂଗଠିତ ପିଲା ଚୋରି ରାକେଟ୍ କି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହୋଇପାରେ କି କାରଣ? ନିଖୋଜ 27,000 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ, ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୁନ୍ଦୁଗାଡ଼ିଆ ଗାଁର 6 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ବେବି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ କେହି ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନ ପାଇବାରୁ ବାଣୀଗୋଛା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବେବିର ପରିବାର ଲୋକେ। ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଛୁଆ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କାମଧାମ ପଡ଼ିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମା ଏ ନଳକୂପରେ ଗାଧୁପାଦ କଲେ। ଗାଁରେ ଏକା ପିଲା ଖେଳବୁଲ ହେଉଥିଲେ, ତାପରେ ଗାଧପାଦ ହେଇକି ଯା ଘରେ ଭାତ ଭାତ ଖାଉ ଆଉ ଖରା ହେଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ୁ, ତାପରେ ଏମିତି କହିଲି। କହିକିରି ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ନୂଆଗାଁ ଗାଧେଇ ସେଠୁ ଆସିବି, ନୂଆଗାଁ ଟିଚି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ଧରି ଆସିବି, ଆମର ତ ଆଜି କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ନା। ସେଠୁ ଯାଇକିରି ଆସିଲା ଆସିକି ଗାଁରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲାଣି ଝିଅକୁ। ଖାଇବାକୁ ଗଲାରୁ ଆଇଲା, ଆଇକିରି କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି କହିଲା, ପଳେଇଲା ଘରୁ ବାହାରିକିରି। ମୁଁ ହଁ ଡାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବି, ମୁଁ ଧୀ ରହିଗଲି, ଏଇଠୁ ମୁଁ ଧୀ ରହିଲି, ଏଇଠୁ ଆଇଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉଟେ ପରେ ଗଲି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଖୋଜିଗଲା ଆଡ଼ୁ ଝିଅ ନାହିଁ ହେଲେ। ନୟାଗଡ଼ର ପରି ସ୍ୱାତି ପରେ ବେବି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେବିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ତ ପୋଲିସ ନା କେବଳ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କହି କାମ ସାରିଦେବ? ପରି ପିହୁ ଭଳି ହେବ ନାହିଁ ତ,
स्पेशल ड्राइव को अपेक्षा करिबनि तो पुलिस पुणी पिला चोरी राकेट सक्रिय किए नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्यूरो तथ्य कहुची 2019 राज्य में 5503 पिला निखोज होइथिले उधार होइथिले मात्र 1490 जन उधार हार थिला मात्र 27.1% जहाँकि देश में सर्वनिम्न 27,000 पिलांक पत्ता नहीं मझे मझे पुलिस पिला खोजा अभियान होवल भुआ बुला अभियान अगस्त मासरु बिंझारपुर निखोज पिहुर पत्ता पाउनी पुलिस ए घटना रे ए पर्यंत पुलिस हात बांधि बसी पुलिस पाखे किसी पहुंची ना इन्वेस्टिगेशन जो जो भली चली कौन से रेजल मिली ना एवं यह अनेक प्रश्नवाची मन भितर सृष्टि करूछि दक्षता पुलिस रो दक्षता उपरे एक विराट प्रश्नवाची काही कि राज्य रे पिला नुहंती सुरक्षित कौन करूछि महिला शिशु टेस्ट ब्यूरो इनपुट सह नयागढ़ नुआगारु मनोज साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज खबर जारी रहबो समय छ एक ब्रेक रो राज्य में नियम उल्लंघन कर गोहत्या अभियोग आसी बेआईन भाव शह शह संख्य गुरु चलाणी अभियोग गुरु माफिया मैंने खुलमखुला बेपार कर धामनगर विधायकों प्रश्न आईन ता पटे जाऊनी कहीं प्रसंग को नहीं राज्य सरकार को घेरी कांग्रेस खोर्धा बाणपुर जीवनदेवपुर निकट एक गोरुपची गाड़ी को जबत कला नाचुणी पुलिस गाड़ी उद्धार हेले छटी गोरु से ही दिन दत्तपुर गाँव रु दुईज गोरु व्यवसायी को गिरफ्त करने से निकट रु तीनोटी गोरु उद्धार कर पुलिस 3/6/2021 लॉकडाउन समय नियाली अंचल धरा पड़ा गोरु बोझ गाड़ी कोड़ी रु ऊर्ध गोरु को बेआईन भाव चलाण कर कंटापड़ा ब्लॉक धानमंडल गाँ निकट में उद्धार करते ग्रामवासी और बजरंग दल कर्मी 13/6/2021 गजपति पाड़लाखेमुंडी पुलिस एक गोरु बोझ गाड़ी को जबत करने गोचालाण से संपृक्त तीन जन को गिरफ्त कर गिरफ होता व्यक्ति मैंने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश होता बेले गाड़ी 27 गोरु उद्धार करते स्थानीय लोके 14/6/2021 खोर्धा दीक्षितपड़ा अंचल गोरु बोझ कंटेनर जबत होता घटन संपृक्त जन को टांगी पुलिस गिरफ्त करोरु को उद्धार करवल घटना नुहे राज्य में प्रतिदिन ये शह शह संख्य बेआईन भाव गोचालाण हो राज्य सुरक्षित नहांती गो संपद दिनक दिन बढ़ी चलती बेआईन गोचालाण गोमांसठ आरंभ कर चमड़ा जाए खुलमखुला बेपार कर गो माफिया आ सबू जाणी चुप बसी प्रशासन बेआईन गोचालाण प्रसंग को नहीं मंगलवार राज्य सरकार को ऊपर बस धामनगर विधायक तथा विरोधी दल उपनेता विष्णुचरण सेठी 1960 गोहत्या निरोधक आईन रही किंतु यह कार्यकारी करना राज्य सरकार एपरिक 29 अगस्त 2012 एक जनस्वार्थ मामलार राय शुणाई बेआईन गोहत्या और गोचालाण कठोर कार्यानुष्ठान नेबा निर्देश देते हाइकोर्ट किंतु पुलिस डीजी कौनसी पदक्षेप नेलेना बोली अभियोग करछन्ति विष्णु गाई अधिक संख्या रे बांग्लादेश को चालाण होची आईन रही गाई सेतेबेले चालाण हेबो जेतेबेले गाई कामरे लागिबो नाही बोली जणे स्वीकृति प्राप्त पशु डाक्टर सर्टिफिकेट देबे किंतु निज वोट बैंक को बंचाइबा पई गोमाफिया को राज्य सरकार सुरक्षा देउछन्ति बोली अभियोग करछन्ति विरोधी दल उपनेता कांग्रेस मध्य एने सरकार को घेरिछि ओडिसा होची भारत वर्षर प्रथम राज्य जोटी गो हत्या निरोध बिल आगत होता दुख एवं परितापर विषय आईन ता बाटे जाऊ एक स्वच्छ सरकार दुआई दौथा नवीन पटनायक सरकार 5T मंत्रालय खोलिले दायित्व मध्य देले अथच आज पर्यंत से भाई एक आईनी तर्जमा करागला नहीं स्वतंत्र रखी पशु मान ना गोरु गाई ट्रक ताकि लोड कर आईन है खाली मिचेरे ठार प्रतिदिन जदि रेड कर एनएच नेशनल हाईवे 50-100 ट्रक गोरु गाई सीज ये सरकार निद भांगुनी
କେହି ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁନି, ପଶୁଙ୍କୁ ଅନାଉନି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଚାଳାଣ୍ଡ ନେଟୱର୍କ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଗୋସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋରକ୍ଷକମାନେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ବି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଗୋ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20-30 ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20-30 କଣ୍ଟେନର ଯାଉଛି, ଡେଲି ଗୋଚାଳନ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ 50-60 ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରରେ 200-300 ଗୋବଂଶକୁ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବଜନ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋ ତସ୍କରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ବି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣା ଅଛି ଗୋଚାଳନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଦିନ ଗୋଚାଳନ ହେଉଛି, କେତେ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣା ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବେଆଇନ ଭାବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କେମିତି ହେଉଛି? ହାଇୱେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଟେର୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି? ଆଉ ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ଆଇନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କାହିଁକି କରାଯାଉନାହିଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସଭାଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୋଡ଼ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।